नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेणुका देवी के निर्देशानुसार जनपद में युवाओं के बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अभियुक्तों को धर पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान सिद्धबली बैरियर पर एक टाटा सोमो से 3 किलो 100 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त पहाड़ों से चरस लाकर कोर्ट द्वार के छात्रों व अनुवक्तियों में भेजा करते थे। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने बताया कि सिद्धबली बैरियर के पास एक टाटा सोमो से 3 किलो 100 ग्राम के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। हमारे वर्तमान जो डीजीपी महोदय और एसएसपी महोदया के द्वारा ये लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है नशा मुक्त उत्तराखंड का। इसी क्रम में कल अपराह्न में चेकिंग के दौरान सिद्धबली तिराहे पे एक टाटा सुमो से 2 लोगों के पास से 3 किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुआ है। और किनके ये कहाँ से ला रहे थे और किनको बेचने वाले थे इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये पूरा चेन हम प्रयास करने की उसका खुलासा हो और ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि रही है। और जो नशे के खिलाफ नशे में शामिल जो लोग भी हैं नशे के व्यापार में उनको किसी भी कीमत पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। 3 किलो 100 ग्राम तक अभी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी जब तक स्पष्ट नहीं हो जाएगा हम बताएंगे।